सुबह बखैर। सुबह बखैर। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। इस खूबसूरत लगने की वजह? पता नहीं, शायद इसलिए कि आज हमें मिलना है। उसमें तो 9 घंटे बाकी हैं अभी। इसका मतलब तुम घंटे गिन रही हो? आप बहुत मजाक के मूड में हैं आज। हम कभी कभार रेडियो के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं, उसकी शूट है आज, बस इसीलिए तैयार हुई हूँ। समझ गया, यानी मुझे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तुम्हें छोड़ दूं? आप जानते हैं मेरी गाड़ी है। नहीं जानता मैं। फिर 6 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। ये जरूरी नहीं है, हम वहीं मिल लेंगे। ऐसा कभी नहीं चाहूंगा मैं। ठीक है, आप इसरार कर रहे हैं तो चलें। पहले आप। वो देखिए, बहुत प्यारी बिल्लियां हैं यहाँ। जी बिल्कुल, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है और मेरी यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रही हो लड़की, अपनी हवासों में रहो। आन भाई। हाँ चलें। ठीक है। गाड़ी चलाएं। एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। यस, ये बात, ये बात। उइगर आ गया है? नहीं, अभी नहीं आया वो, लेकिन आखिरकार आ ही जाएगा, क्योंकि शो करने तो आना है ना उसे। जितनी देर से आए अच्छा है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। ओके बाय। क्या कुछ कहना है तुम लोगों को मुझसे? इसको देखो, उल्टा हमसे पूछ रही है। मेरा सवाल अभी वही है। और मेरा जवाब भी। मुझे तुम्हारा जवाब किसी सूरत भी कबूल नहीं है। क्या मतलब कबूल नहीं है? नहीं है कबूल, क्योंकि उस वक्त तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। तुम पहले ही नाराज थी और इस वजह से गुस्से में तुमने इनकार कर दिया। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो मान जाओगी। मैंने गुस्से में इनकार नहीं किया है, बल्कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सोचा समझा फैसला है। तकलीफ देना नहीं चाहती तुम्हें, तुम जानते हो, मगर कैसे समझाऊं कि अब सब कुछ खत्म। मैं अब नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? पूछ रहे हो मसला क्या है? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मेरी बात संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे फैसलों की कोई अहमियत नहीं, ना ही जज्बात की। और बदबू आ रही है तुमसे शराब की। हाँ पी है, बिल्कुल पी है। तुमने मेरी दुनिया तबाह करके रख दी। मैं आखिर क्या करूं तुम्हारे बगैर?
उइगर, ऐसा नहीं करो ना। प्लीज खुद को और मुझे मजीद अजियत मत दो। तुम भूल क्यों नहीं जाते और आगे बढ़ो ना। जैसे तुमने किया। क्या ये सब उस अस्पताल वाले आदमी की वजह से है ना? उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? इनकार मत करो, तुम उसके घर में रह रही हो, मैं ये भी जानता हूँ, इसलिए तुमने मुझे कबूल नहीं किया। तुम उससे पहले से मिल रही थी, मान लो। सच नहीं है ये बात। मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। तुमसे तो समझदार लोगों की तरह बात भी नहीं की जा सकती। रुको, छोड़ो मुझे। तमाशा कर रहे हो तुम, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बात हमेशा याद रखना। Ugh.